दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरी वीडियो में। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि पोलैंड का गांव कैसा दिखता है। बेसिकली गांव तो नहीं कह सकते, लेकिन गांव का एक छोटा सा पार्ट है। तो आज मैं अपने एक फ्रेंड के पास जाऊंगा जो कि इंडिया से ही है, लेकिन बॉर्न इन पोलैंड है। तो वो हमें दिखाएंगे कि गाय का दूध यहाँ पे कहाँ पे मिलता है और कैसे वहाँ से वो दूध निकालते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, देखते हैं भाई। तो जी हम मेरे फ्रेंड के पास पहुंच गए हैं। हाय, हाउ आर यू? फाइन, यू? गुड गुड, लेट्स गो। तो जी हम पहुंच गए हैं सुगम के पास, मेरा फ्रेंड है। एक बार सुगम आप हाय हाय कर दो। तो अब हम जा रहे हैं गाय का दूध लेने सुगम भाई के रेस्टोरेंट के लिए। आपके रेस्टोरेंट का नाम क्या है? न्यू दिल्ली रेस्टोरेंट। और आप रहने वाले कहाँ के हो? रहने वाले नहीं, इंडिया में कहाँ से हो? इंडिया में न्यू दिल्ली से है। और इनके रेस्टोरेंट का नाम भी न्यू दिल्ली है। और ये अपने रेस्टोरेंट में जो पनीर बनाते हैं वो फ्रेश गाय के दूध का बनाते हैं। तो आप दिन महीने मतलब हफ्ते में कितने बार दूध लेने जाते हो? चार पाँच बार। हफ्ते में चार पाँच बार, मतलब डेली जाते हो एक तरीके से। तो जी देखते हैं गाय का दूध यहाँ पे कैसा मिलता है। अच्छा, कितना ले लेते हो फिर आप, मतलब एक दिन में? जैसे आज हम कितना दूध वहाँ से लेंगे? आज 20 लीटर। 20 लीटर? यस। क्या बात। तो जी ये मदर है गाय की और ये बेटी है इसकी, और ये अभी दूध निकाल के दिखाएंगे। ऐसे पोलैंड में दूध निकालते हैं। Marek. Proszę, mi kradnę. Lalunia, chodź. इसका नाम अमेरिक है। खरगोशों के नाम भी इन्होंने रखे हुए हैं। जीजू शॉप तो इधर वाले, तो ये दो इधर। ओह, पूछो रे। हाँ। यक इमिया। टॉमेक। 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 तो ये गाय का बच्चा हुआ है, जीजोशा गाय का नाम है। और गाय के बच्चे का नाम टोमैक अनीतका। और ये भाई टोमैक लड़के का नाम होता है और ये लड़की है, इसका नाम अनीतका है। हिंदी में अनीता बोलते हैं वैसे। और एक भाई लौरा है। कहाँ मिलता है? इधर गाय के भी नाम रखे जाते हैं के होते हैं पोलैंड के ट्रैक्टर्स। तो ये स्टार है तक या की रोक। तो
तो ये 80 साल पुराना ट्रैक्टर है पोलैंड का, देख सकते हो आप ये ट्रैक्टर है। ये 70 साल पुराना ट्रैक्टर है, इसके पीछे इन्होंने मशीन लगा रखी है। और वो बड़ी मशीन भी है खेतों में से काटने के लिए, लेकिन तो इधर इन्होंने गेहूं निकाले हुए हैं। और ये गेहूं निकालने की मशीन है यहाँ की, तो हमने इनसे पूछा कि एक बार ये जो भयंकर ट्रैक्टर है इसको एक बार स्टार्ट करके दिखाए, तो ये कह रहे हैं कि अभी एक इसकी आवाज सुनो, आप लोगों को दिखाते हैं अंदर से कैसा दिखता है। सिस्टम इतने सारे लगे हुए हैं इसमें, कैसा लगा और इसकी आवाज कैसी लगी। बहुत ही बड़ी जगह है ये, आप सब देख रहे हो, बहुत ही अच्छे से इन्होंने हमें दिखाया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसी और भी बेहतरीन वीडियो आती रहेगी। ये भाई सुगम ने दूध ले लिया है 20 लीटर, अब सुगम हमें पनीर खिलाएगा। चलते हैं इनके रेस्टोरेंट में एक दिन। अच्छा ये रिवर भी उसी की है? नहीं जी, रिवर इसकी नहीं है, रिवर तो सिटी की है ये, पर ये पूरा एरिया इन्हीं का है पीछे का, ये मशीनें इधर भी है।